हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे देख सकते हैं अपने पीछे ये अपनी बाइक खड़ी है। ये बाइक देख सकते हैं अपनी, इसको आज हम लोग BS4 बाइक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कराएंगे BS4 पल्सर 220 कन्वर्टर इनटू BS6 में। अब इसमें आप लोग मेन देख सकते हैं क्या कन्वर्टेबल है और BS6 में क्या अंतर। देखिए अपने बाइक में BS4 में ABS नहीं आता था पहली बार। और यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये है कि यहाँ पे ये जो इंजन गार्ड है ये लिए हैं अपन, ये करवा देंगे। सबसे मेन डिफरेंस यही है बिकॉज यहाँ पे तो इतना नहीं पता चलता। अब कोई दूर से देखेगा तो यहाँ पे BS6 वाली में नीचे इंजन काउल लगा रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये BS4 है कि BS6 है। और यहाँ पे ग्राफिक्स तो ये तो हमारी 20 लिमिटेड एडिशन है, तो इसका ग्राफिक्स अगर हम लोग पूरी टोटली BS6 में कन्वर्ट कराएंगे तो अपने को डिस्क ब्रेक यानी चेंज कराना पड़ेगा, ABS वाला लगवाना पड़ेगा। ये तो अभी करा रहे हैं और यहाँ पे ग्राफिक्स हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मीटर BS6 वाली मीटर ऐसा आता है। बाकी वो ये सब चीज़ फालतू की बकचोदी है, यानी बकचोदी नहीं कहेंगे। देख सकते हैं ये 220। अब इसको आफ्टर के बाद बिफोर लगाएंगे, यहाँ पे अपना जब मडगार्ड ये जो इंजन गार्ड लग जाएगा तो वो कितना प्यारा लगेगा। बट इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज हैं गाइस, बिकॉज अपने BS6 में तो यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है ये पाइप। अब इसका देखते हैं पत्ती उत्ती का जुगाड़ करेंगे यहाँ से, देखते हैं फिर दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं फिर मिस्त्री के यहाँ, डायरेक्ट खन्ना चौराहा जाएंगे कराना है। मूड ख़राब था, रॉ डिटेल में फिर जल्दी बताएंगे, फिर अभी फिर दिखाते हैं आपको ये भी। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये है अपना बाड़ी। अरे गाड़ी मंगा रहे थे ना, यहाँ पे देख सकते हैं अपने ये इतना पार्ट। वैसे एजेंसी में जाएंगे तो अपने को 1300 का मिलेगा और यहाँ पे अपन ऑनलाइन ऑर्डर के। बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज इसमें पहले से स्क्रैच था। फिर भी ठीक है, अपने को वैसे भी गाड़ी धुलना तो है नहीं, कीचड़ में ही तो चलेगी। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एक पत्ती लगाना पड़ेगा। अब ये विदाउट अपन वो करवा रहे हैं बिल्डिंग के, देखते देखते भैया लगा पाते कि नहीं लगा पाते हैं। लग तो नहीं रहा है, 50% है लग जाएगा, लेकिन यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि लग जाएगा, 80% लग जाएगा। यहाँ पर जो बैक साइड वाला वो मेरे को नहीं लग रहा है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे गाइस देख सकते ये वाली 220 में जैसा लगा है अपना भी करा लिए हैं। चलो ठीक है, जाओगे मिलते हैं फिर, इसका बात ही अलग है। इसको अपन 220 में बदलवा सकते हैं, 180 बाइक है। आगे वाला लग गया है, बस थोड़ा यहाँ से जुगाड़ कर। ये अपनी बिल्डिंग वाला नहीं है, अपन सिस्टम बिल्डिंग वाला नहीं किए हैं, विदाउट बिल्डिंग अपन करा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस ये भी पट्टी एक लग गई है, इसके साथ ऐड होगा। गाइस देख सकते हैं अपनी बाइक में ये लग गया है अच्छा, एकदम प्योर फिटिंग आई है। आपको फिर यहाँ से भी दिखाते हैं। चलिए फिर अभी सिनेमैटिक फिर आप लोग एंजॉय बाद में करिएगा खाली जगह में। आओ पीछे। अरे यार तो एक बार में सब निकाल दिया, उधर इतना बचा है। ऐसे ना करिए भैया, ऐसे नहीं जानते, सीधा कर के साथ फिर तो मजा आएगा। हां ठीक कर देंगे। हां मोशन नहीं यार भैया, ना ऑयल ऑफ ऑयल लगा रहे हैं ये जानते हैं, काउ लगवाना बिना बिल्डिंग के लगवाया हूं है ये बगल वाले करीन ने, अच्छी फिटिंग आई होगी, मोशन तो होती है ये बात। गाइस अपने को देख सकते हैं अपनी पहली 220 का लुक
देख लीजिए आप कितना कातिल है यार, जिसको बोल सकते ये देख इस एंगल, अब अपन कोई भी एंगल करेंगे तो हो गया। और यहाँ पे RS 200 भी मिल चुकी है, अभी काफी अच्छी मॉडिफाइड है अपने काना भाई की। और यहाँ पे 20 इसका फिर लास्ट में सिनेमैटिक शॉट देंगे, और कितनी प्राइजिंग लगी इसको बनवाने का दिखाते हैं आपको, ये देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये देखिए अभी दिखाते हैं फ्रंट कैमरास दिखाते हैं, ये देखिए क्या प्यारी गाड़ी लग रही है, दूर से एकदम दिखाते हैं आपको। आ जाइए भैया, ये देखिए अपनी यहाँ पे दूसरी बाइक खड़ी है, तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं, देखिए डिफरेंस आप देखिए इतनी प्यारी लग रही है। इसके ये नीचे के कार यहाँ पे गाइस, अब कल रात को काफी रात हो गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका मेन कंक्लूजन बताते हैं, इसमें कितना खर्चा लगा और इसको कैसे हमने फिट कराया प्रॉपर दिखाते हैं। दिखाया तो था लेकिन अब लास्ट में एकदम जब एंडिंग वाला सिस्टम रहा तब दिखाते, पास में चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एक नट है, और यहाँ पे जब अपन ऑर्डर किए थे ये अमेजोन से 1050 का, कभी 1350 का, कभी 1400-2200 का भी दिखाता है, वो अपने ऊपर डिपेंड है। ये रेड कलर में मिला था, और इसमें देखिए गाइस ये जो नट रहता है इसको ढूंढने में ये अपने को कंपनी फिट यानी कंपनी से नहीं मिला था, तो ये अपन ने खन्ना चौराहा जो मेन मार्केट है अपने सिटी की वहाँ पे मिल गई थी 50 रुपये में, यानी बहुत सारे थे, 4 हैं। और यहाँ पे ये फिर इसको फिटिंग कराने का 250 रुपये लगे। ये देखिए यहाँ पे एक पत्ती लगी है, पत्ती दिख रही होगी, हाँ, और यहाँ पे एक पत्ती लगी है, यहाँ नीचे दिख रही होगी शायद, जो दिखे तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये पत्ती है अच्छे से अगर दिख रही होगी, यहाँ पे दूसरी पत्ती लगी है। सो इधर का तो ये पत्ती में जुड़ जाती है, ये ब्रैकेट भी अपन बोल सकते हैं, पत्ती आफ्टर मार्केट मिल जाएगी, यहाँ भी पत्ती लगी नीचे से दिख गई होगी। अब उस साइड के चलते हैं, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो नट मेन लगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये नट यहाँ पे जुड़ गया है वहाँ से। वो बताया ना कि कोई बिल्डिंग वाला काम नहीं किए हैं अपन, सीधे अपन ब्रैकेट टू ब्रैकेट यानी पत्ती टू पत्ती। और ये देख सकते हैं यहाँ भी एक पत्ती लगी जुगाड़ वाली छोटी सी, देखिए इसमें देखिए छोटी सी लगी पत्ती उधर से दिख, ये देखिए इधर वाली में देख सकते हैं ये पत्ती लगी है, देख सकते हैं इसकी फिटिंग गाइस। ये देखिए कैमरामैन फोकस हो जाओ जल्दी से, ये देखिए ये पत्ती छोटी सी लगी इसमें, और इधर थोड़ा लंबी सी जुगाड़ से लगी, इधर दिखाते हैं आपको, ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये देखिए। सो यही है गाइस, दो पत्ती अपने को 4 पत्ती लगेंगी विदाउट बिल्डिंग, बाकी आप बिल्डिंग से भी करा सकते हैं, बिल्डिंग वाला भी अच्छा रहता है, बाकी ओवरऑल लुक देख सकते हैं दूर से काफ़ी कितनी मस्त लगती है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है इसका, और इसमें थोड़े हमने पहाड़ के ग्राफिक्स बनवा दिए तो कितना अच्छा लगने लगा। सो ओवरऑल हमने खर्चा किया भाई 1500 रुपये लग गया, बिकॉज आपको ऐड नीचे दिख जाएगा, बिकॉज ये भी अपने 200 का करवाया, बताइए इतना महंगा 200 का। ओके कोई दिक्कत नहीं गाइस, बाकी अच्छी अपनी अब फाइनली गाइस गाड़ी अपनी BS6 में कन्वर्ट हो गई है, अब किसी दिन BS6 में तो कन्वर्ट हो ही गई है, मगर ये BS6 वाला अब लगवाना है, लगवाना क्या फालतू में, इसलिए बिकॉज बहुत तामझाम ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम, जब फिर ABS वो हो जाएगा, बाकी कन्वर्टेड तो हो गई है ओवरऑल, इंटीरियर से नहीं तो एक्सटीरियर से तो कंप्लीट ही हो गई है, बाकी अपने ने 220 लिखवा लिया तो लिमिटेड एडिशन हो गई है अपनी बाइक, अपने पास व्हील कवर भी आ जाएगा, और अपने पास ये भी था क्या बोलते हैं इसको वाइजर, लेकिन अब वाइजर नहीं लगाएंगे, 2-3 दिन का शौक रहता है वो पूरा हो गया, इसमें भी काफ़ी ये लगने के बाद ना गाइस
एक तरफा लगने लगी बाइक, यानी थोड़ा रेस परफॉर्मेंस, रेस ओरिएंटेड बाइक, यानी नीचे से अग्रेसिव लुक अभी आने लगा इसका। सो यही था गाइस व्लॉग, हमारी बाइक कंप्लीट हो गई।